मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर ब्लॉक एवं तहसील इकाई सेगांव द्वारा प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे सेगांव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम पर प्रदेश के शिक्षक सवर्ग की 3 सूत्रीय न्यायोचित मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लंबे समय से चली आ रही मांग सहायक शिक्षकों प्रधान पाठकों व्याख्याताओं प्राचार्य एवं सहायक संचालकों को उनकी योग्यता अनुसार प्राप्त वेतनमान के आधार पर अपग्रेड करना, साथ ही अध्यापक सवर्ग प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक को न्यू पेंशन योजना समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई। इसके अलावा शासन ने जुलाई 2020 एवं 2021 की वेतन वृद्धि रोक रखी है, उसके आदेश शीघ्र जारी कर समस्त शिक्षकों को तत्काल दिया जावे एवं महंगाई भत्ता 5 जो राज्य शासन द्वारा पूर्व में स्थगित कर दिया गया था। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज श्रीमान तहसीलदार महोदय सेगांव को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से वर्ष 1920-21 की 2 वेतन वृद्धियां रुकी हुई है और 5% डीए और शिक्षक संवर्ग की नई पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। आपका शुभ नाम? मैं गिरधारी चौहान, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।